तो क्या आप लोग भी अप स्टॉक में इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हो? इंट्राडे ट्रेडिंग बेसिकली होती क्या है, वो इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर आप लोग क्या करते हो मैं आप लोग समझाता हूँ। सबसे पहला इंट्राडे में क्या होता है, इंट्राडे में आप लोग सेम डे को स्टॉक परचेस कर सकते हो, सेम डे में इसे सेल कर सकते हो, अदरवाइज वो स्टॉक आप लोगों का बैन हो जाएगा, यानी आपके पैसे बर्बाद हो जाएंगे अगर आप लोग उसी दिन स्टॉक को सेल नहीं करते हो। तो चलो मैं आप लोग बताता हूँ आप लोग इंट्राडे ट्रेडिंग अप स्टॉक में कैसे कर सकते हो। वैसे अप स्टॉक डाउनलोड करने का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर डाउनलोड कर लेना। सबसे पहले आप लोग अप स्टॉक खोलोगे और अपनी आईडी को क्रिएट करोगे। आईडी क्रिएट करने के बाद आप लोग यहाँ पे ये इंटरफेस दिखेगा, आप लोग सामने स्क्रीन पर देख सकते हो, मैं स्क्रीन पर दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो जब आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को ये इंटरफेस मिलेगा। फिलहाल ये मेरी वैल्यू है, कुछ मैंने इन्वेस्ट करा था, तो आप लोग मैं दिखा देता हूँ फिलहाल इंट्राडे में आप लोग कैसे कर सकते हो। इंट्राडे के लिए आप लोगों को सीधा सिंपल सा है, आप लोग अपनी सेटिंग में आ जाना है। सेटिंग के लिए आप लोग यहाँ से क्लिक करना है, आप लोग यहाँ देख सकते हो दो अकाउंट है, यहाँ पे ऊपर देख सकते हो यहाँ लिखा हुआ अप स्टॉक फॉर इन्वेस्टर, अप स्टॉक फॉर ट्रेडर्स यानी प्रो। जब आप लोग यहाँ से बटन दबा के स्विच कर लेंगे, स्विच करने के बाद आप लोग यहाँ पे आ जाएंगे प्रो वर्जन पे, यानी कि अप स्टॉक में प्रो वर्जन। यहाँ से आप लोग देखेंगे आप लोग कई सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे, मैंने कुछ सिलेक्ट करे हुए थे, बाकी आप लोग देखें निफ्टी 50 बैंक, आप लोग यहाँ से चाहे यहाँ से कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं, वो आप लोग अपने एप्स के सेटिंग्स के अकॉर्डिंग आप लोग जो भी चाहिए वो आप लोग मेन फ्रंट पे भी ला सकते हो अपने स्क्रीन पर। चलिए मैं आप लोग दिखाता हूँ आप लोग इंट्राडे ट्रेडिंग इसमें कैसे कर सकते हो। सबसे पहले आप लोग अपना बैलेंस यहाँ से प्लस करना होगा, यानी जो बैलेंस आप लोग ऐड करना है अमाउंट वो ऐड करना होगा। आप लोग मैं ऐड फंड करता हूँ, यहाँ से ऐड फंड करने के बाद आप लोग जो भी अपना अकाउंट चाहते हो वहाँ यहाँ से कर सकते हो। देन आप लोग अगर आप लोग अब आते हो इंट्राडे में परचेस करने का, फिलहाल तो टाइम ओवर है, 7:46 हो रहा है मैं जिस टाइम ये वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन आप लोग सुबह 9:15 से यानी 9:15 के बाद से आप लोग स्टॉक परचेस कर सकते हो और 3:30 से पहले से सेल कर सकते हो। वैसे तो 3:15 तक का टाइम है, अगर 3:15 तक आप लोग सेल नहीं करोगे ऑटोमेटिक सेल हो जाता है, लेकिन उसके ऑटोमेटिक के चार्जेस कटते हैं, लेकिन इससे बेहतर है आप लोग खुद से खुद इसको सेल कर देना, अदरवाइज चार्जेस कट जाएंगे। तो चलिए मैं आप लोग बताता हूँ आप लोग इंट्राडे में कैसे परचेस कर सकते हो। सबसे पहले मान लीजिए ये अंबुजा सीमेंट है, 635 रुपये का है ये, जब इसको मैं बाय करूँगा तो बाय करने यहाँ पे जैसे मैं करता हूँ फिलहाल तो ऐड फंड्स लिख के आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इंटरफेस में समझा देता हूँ, इंटरफेस से आप लोग ये फंड ऐड करोगे तो उसमें आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग डिलीवरी और ये इंट्राडे, डिलीवरी और इंट्राडे का अंतर मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि डिलीवरी के अंदर आप लोग नॉर्मल यानी कि लेके आप लोग लॉन्ग टाइम के लिए इसको परचेस कर रहे हो, लेकिन इंट्राडे में क्या है आप लोग सेम डे परचेस करोगे, सेम डे ही सेल करोगे। इसमें ऐसा आप लोग जो भी अमाउंट चल रहा हो जितनी क्वांटिटी चाहिए, जैसे मान लो मुझे 50 स्टॉक चाहिए, जो भी स्टॉक चाहिए उसके अकॉर्डिंग में यहाँ परचेस कर सकते हो। आप लोग यहाँ प्राइस पे अमाउंट डाल सकते हो और मार्केट रेट में चाहिए या आप लोग लिमिटेड, मार्केट रेट में समझाता हूँ क्या होता है। मार्केट रेट पर अगर आप लोग क्लिक करोगे तो जैसे ही जो रेट चल रहा होगा एट ए टाइम वो परचेस हो जाएगा। मान लो 635.45 का भी फिलहाल स्टॉक है, ये इस टाइम इतने में ही परचेस हो जाएगा, लेकिन अगर मैं लिमिट लगाऊंगा, लिमिट लगाने का यहाँ पर ये मतलब होता है कि 635 का है, अगर ये स्टॉक मान लो 635 की जगह 633 पे आता है तो मेरा ये परचेस अगर मैं चाहता हूँ तो 633 पर मैं इसको स्वाइप अप कर दूंगा, जब बैलेंस होगा इसके अंदर स्वाइप अप कर देना होगा, उसके बाद आप लोगों का स्टॉक खुद पर खुद परचेस हो जाएगा जब 633 का प्राइस जाएगा। अगर नहीं जाता है प्राइस तो ये परचेस नहीं होगा, ठीक है। आप लोग जो भी लिमिट यहाँ पर सेट करोगे वो लिमिट के अकॉर्डिंग ही आप लोगों को बताएगा और परचेस करके दे देगा। अब आपके स्टॉक यहाँ पर बाय हो चुका है, जब आप लोगों को सेल करना है तो सेल के टाइम भी सेम प्रोसेस अपनाना है। आप लोगों को सेल के टाइम यहाँ पर आप लोग क्लिक करना है, मैं भी समझा देता हूँ सेल का और बाय का ऑप्शन कहाँ पर आएगा। जब आप लोग यहाँ सेल कर मतलब सेल करने के लिए आओगे तो यहाँ पे भी सेम प्राइस है, यानी आप लोगों ने मान लो 10 स्टॉक खरीदे थे उस टाइम तो यहाँ ऑटोमेटिक 10 आ जाएगा, अंबुजा सीमेंट का ऑटोमेटिक 10 स्टॉक आ जाएंगे। अब मार्केट रेट या फिर लिमिटेड रेट, अब मान लो मार्केट रेट का मतलब है कि 635 अभी लिखा हुआ 635.45, अगर ये 35 मान लो एट अ टाइम यही रेट चल रहा है तो आप लोग इसी टाइम पे मतलब वो करोगे, जब सेल करोगे तो सेल हो जाएगा। अदरवाइज जैसे मान लो अगर लिमिटेड का मतलब ये हो गया नहीं मुझे 635 पे नहीं बेचना, मुझे जब बेचना है 650 पे, जब इसका रेट 650 जाएगा तो ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा 650 पे, ना कि 650 से कम ना ही 650 से ज़्यादा। जो रेट आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट करोगे वही उस पर सिलेक्ट होके सेल हो जाएगा और परचेस हो जाएगा। लिमिट और मार्केट में यही अंतर है, और इंट्राडे और डिलीवरी के अंदर सिर्फ इतना अंतर है आप लोग डिलीवरी लॉन्ग टाइम के लिए करते हो और इंट्राडे में आप लोग सेम डे परचेस और सेम डे सेल करते हो। अब जब आप लोग यहाँ से सेल और परचेस करते हो तो उसकी हिस्ट्री में दिखा देता हूँ कहाँ पर आती है। ये आप लोगों ने ऑर्डर का मतलब होता है यहाँ पे, जो आप लोग ऑर्डर लगाओगे वही ऑर्डर यहाँ पर दिखेंगे आप लोगों को। मान लो आप लोगों ने वहाँ से परचेस कर लिए, वहाँ से परचेस करने के बाद यहाँ पे आप लोगों की ऑर्डर लिस्ट आ जाएगी,
जब आप लोग ऑर्डर लिस्ट आ जाएगी, ऑर्डर लिस्ट में आप लोग जो भी सेल वगैरह चल रहा होगा वो आप लोग यहाँ पर दिखा जाएगा। मैं आप लोग स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, मैंने कुछ स्टॉक परचेस करा था, आप लोग देख सकते हो सेम टू सेम वही लिख के आ रहा है, जो स्टॉक पे प्राइस घटा है या बढ़ा है सब कुछ आप लोग सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो ये मेरे कुछ परचेज करे हुए थे जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ प्रीवियस हिस्ट्री। फिलहाल तो मैंने कुछ नहीं कर रखा क्योंकि टाइम टेबल अभी क्लोज है। पोर्टफोलियो में दिखा देता हूँ मेरा क्या है। मैंने एक स्टॉक लिया था आई थिंक 2022 के आसपास, जो एक स्टॉक था सिर्फ 25 रुपये 32 पैसे का, जिसकी वैल्यू है फिलहाल 102 रुपये 90 पैसे। और आज के टाइम मैंने टू डेज रिटर्न में यानी कल के हिसाब से आज की मार्केट डाउन रही है, जिसमें मेरा 32 पैसे का नुकसान हुआ है। 32 पैसे का नुकसान मतलब यानी 32 पैसे का स्टॉक गिरा हुआ है। बाकी मैंने 25 रुपये का एक कोई खरीदा था आज के टाइम पे, वो 102। ये मेरी गलती से हुआ था, ना कि मैंने जानबूझ कर करता, मैं सिर्फ ट्रायल के लिए खरीदा था। आई थिंक आप लोग सारे डाउट क्लियर हो चुका है। अब आप लोग आप स्टॉक डाउनलोड करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, अदरवाइज आप लोग अगर और भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग सीधा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दे दूंगा। तो भाई वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।